आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। मतलब जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में जो शारीरिक शिक्षा है वो क्यों आवश्यक है, वो किस प्रकार आवश्यक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है शारीरिक शिक्षा की। शिक्षा में तो शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता या उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा पूरे विश्व के स्कूलों कॉलेजों में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। मतलब कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो जो भी संस्थान है शिक्षा के वहाँ पे वो एक सब्जेक्ट के रूप में आ गई है परमानेंटली। जो एचसी बक के अनुसार, एचसी जो बक है उन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का वह भाग है जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों की वृद्धि विकास तथा शिक्षा से संबंधित है। आज के मनुष्य को योजनाबद्ध खेलों और शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आधुनिक संदर्भ में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता या उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से है। भाई हमें क्यों ज़रूरत है वो उसके बारे में आगे पॉइंटों में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें क्या आता है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आपका शरीर हो गया, आपके जो भी जितने भी संस्थान हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान देती है। तो पढ़ते हैं, शारीरिक विकास शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। शारीरिक क्रिया मांसपेशियों को मजबूत, रक्त का संचार सही, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी तथा श्वसन क्रिया को ठीक रखती है। शारीरिक क्रिया न केवल अलग अलग प्रणालियों को स्वस्थ और ठीक रखती है बल्कि उनके आकार, शक्ल और कुशलता में भी बढ़ोतरी करती है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाना है। नियमित रूप में किया जाने वाला व्यायाम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की निपुणता और सामर्थ्य में वृद्धि करता है। इस कारण शारीरिक क्रियाकलापों, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए हमें शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है नियमबद्ध वृद्धि एवं विकास। मतलब कि जो नियमित रूप होता है, लगातार रूटीन होता है, उसमें हमें चीज़ें करने के बारे में शारीरिक शिक्षा हमें बताती है। तो नियमित रूप से वृद्धि और विकास शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी संजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा होकर एक भारी पेड़ बन जाता है। शारीरिक शिक्षा का संबंध भी वृद्धि और विकास से है। व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। नियमित रूप से किया जाने वाला शारीरिक अभ्यास विभिन्न अंगों में वृद्धि एवं विकास करता है, इसलिए आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा खेल कूद के माध्यम से अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करती है, जैसे खेलों के नियमों की पालना करना, खेलों में आपसी तालमेल बनाना, हार व जीत में संयम रखना, दूसरों का आदर, देशभक्ति की भावना जो लोकतांत्रिक जीवन में आवश्यक है को विकसित करती है। कि किसके साथ पॉसिबल है ये, शारीरिक शिक्षा के साथ। आगे है इसका मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या जाता है, जो अरस्तु के अनुसार बताया गया है वो है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप दिमाग की तौर पर भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाव यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का विकास भी होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों मिलाप से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के में निखार आता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक क्रिया में भाग लेता है तो उसे शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी साथ साथ होता रहता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा नेतृत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। जो शारीरिक शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करने के अनेक अवसर होते हैं। जब किसी खिलाड़ी को शरीर गर्म करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उस समय भी नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है। उदाहरणतः हॉकी की टीम के कैप्टन को निष्पक्षता और समझदारी से खेलना पड़ता है। कई बार प्रतियोगिता का आयोजन करना भी नेतृत्व के गुणों के विकास में सहायक होता है, इसलिए हमें शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट करवा रहे हो, उसमें कोई भी टीम लेके जा रहे हो आप, तो आपकी टीम का एक जो कैप्टन होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसकी पूरी टीम का ध्यान रख के वह किस प्लेयर को कहाँ कैसे खेलाना है, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, नेतृत्व का विकास। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, मोटर डेवलपमेंट, गतिज विकास। शारीरिक क्रियाएं शरीर में अधिक से अधिक तालमेल बढ़ाती हैं। यदि शारीरिक क्रियाओं में कूदना, दौड़ना, फेंकना आदि न हो तो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। मानवीय शरीर से सही गतिज विकास तभी हो सकता है जब नाड़ी प्रणाली और मांसपेशीय प्रणाली का संबंध ठीक रहे। इससे कम थकावट और अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा सेवन्थ पॉइंट, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक क्रिया इस प्रकार के ऐसे अवसर, कई प्रकार के ऐसे अवसर पैदा करती है जिनमें भावनात्मक विकास होता है। खेल में बार बार विजयी होना या हारना, दोनों अवस्थाओं में भावनात्मक स्थिरता आती है, इसलिए खिलाड़ी पर जीत हार का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है वह सफलता की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें शारीरिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता होती है कि आपके इमोशनल, जो आपके इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करना कौन सिखाता है हमें? शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में मिलजुल कर सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। सभी ये सोचते हैं कि हाँ हमारे समाज में अलग से पहचान हो, हमें सम्मान मिले, ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति सोचता है। तो इसमें क्या है, शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को जागृत करने के प्रबंध किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है, जैसे कि दूसरे, एक दूसरे को सहयोग देना, दूसरों का सम्मान करना और आज्ञा का पालन करना, अनुशासन, वफादारी, सहनशीलता, सदाचार, नियमों व कर्तव्यों की पालना, नियमबद्धता इत्यादि, ये सभी गुण मित्रता और भाईचारे में वृद्धि करते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा हमारे लिए इसमें भी उपयोगी है, इसमें भी सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइन्थ पॉइंट, नौवां पॉइंट, स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज हर व्यक्ति को होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण आप अपने शरीर को अच्छे प्रकार से स्वस्थ रख सकते हो। तो इसमें क्या है, स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का मार्गदर्शन चाहती है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जनसंपर्क के रूप में कार्य करती है, जो सेहत और रोगों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। यह लोगों को अपनी आदतों और जीवन व्यतीत करने के तौर तरीकों का विकास करने में प्रेरणा देती है या सहायता करती है। आगे जो इसका निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन, तो जो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शारीरिक गतिविधियाँ नियमित रूप से वृद्धि करने में सहायक होती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें शारीरिक शिक्षा की अति आवश्यकता पड़ती है। इसकी उपयोगिता देखते हुए इसका क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा को हमें विशाल सत्र में सर्वप्रिय बनाना चाहिए और इसे न केवल शिक्षा के क्षेत्र तथा शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे ग्रामीण या अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाना चाहिए। जैसे कि कोई संस्था बना ली या कोई ग्रुप्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई सोशल ग्रुप होते हैं, उनमें भी इसको शामिल किया जाना चाहिए। हर एक पर्सन के लिए बहुत ही आवश्यक है।